चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। दिस इज योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज, और हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 23 कंजंक्शंस। सो आपको पता है बच्चों, कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स वर्ड क्लॉजेस और सेंटेंसेस और शो रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस। कंजंक्शंस की हेल्प से बच्चों हम किन्हीं वर्ड्स को, क्लॉजेस को जॉइन कर सकते हैं या हम दो सेंटेंसेस को भी जॉइन कर सकते हैं और उससे उनमें रिलेशन पता चलता है कि क्या है। ओके, सो जैसे कि एंड और, बट, सो एंड बिकॉज, ये हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या हैं ये? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एग्जाम्पल, ही इज़ यंग एंड स्वीट। अब वो यंग भी है और स्वीट भी है, तो हमने उसे कैसे कनेक्ट किया? ही इज़ यंग, वी पुट द कंजंक्शन एंड, यंग एंड स्वीट। मदर लाइक्स फ्लावर्स, मदर को फ्लावर पसंद है, बट आंट रीता लाइक्स पेट्स। आंट रीता को क्या पसंद है? पेट्स पसंद है। अब दोनों की चॉइस डिफरेंट है, लेकिन हमने उन्हें एक ही सेंटेंस में दिखाना है, सो वी पुट द कंजंक्शन बट। मदर लाइक्स फ्लावर बट आंट रीता लाइक्स पेट्स। ओके, शी विल डांस और पेंट। अब उसके पास चॉइस है वो डांस करे या पेंट करे। ओके, सो हम कैसे चॉइस को दिखाएंगे? हमने यूज़ किया कंजंक्शन और। शी विल डांस, या तो वो डांस करेगी, और पेंट या फिर पेंट। आई बॉट नूडल्स, मैंने नूडल्स खरीदी, बिकॉज, क्योंकि, आई लाइक चाइनीज फूड। क्यों नूडल्स खरीदी? क्योंकि मुझे चाइनीज़ फूड पसंद है। सो हमने यहाँ पर क्या क्लियर किया? रीज़न क्लियर किया, कॉज बताया अपने नूडल्स खरीदने का। सो उस कॉज को बताने के लिए हमने क्या कंजंक्शन यूज़ करी यहाँ पर? बिकॉज। ओके, क्लियर? नाउ द कंजंक्शंस आर ऑलवेज प्लेस्ड, हमेशा प्लेस की जाती है बिटवीन द टू क्लॉजेस और वर्ड्स दैट दे आर जॉइनिंग। ओके, जिसे हम जॉइन कर रहे हैं उन क्लॉजेस और वर्ड्स के बीच में हम कंजंक्शंस को पुट करते हैं। ओके, वी गो अहेड। नाउ वी हैव एक्सरसाइज हियर, मैंने आपको बता दिया अगर दो सिचुएशन एक जैसी हो तो उन्हें जॉइन करने के लिए हम एंड लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है तो हम बट लगाते हैं, वी हैव चॉइस तो हम और लगाएंगे, और अगर हमें किसी चीज़ के लिए कॉज बताना है तो हम बिकॉज का यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू इंग्लैंड, आई विल सी अ लॉट ऑफ नाइस प्लेसेस देयर। आई एम गोइंग टू इंग्लैंड एंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर नाइस प्लेसेस देखूँगा। यू विल फाइंड टॉयज ऑन काउंटर टू, काउंटर थ्री, या तो आपको काउंटर टू पर चॉइस मिल जाएंगे और काउंटर थ्री, या फिर काउंटर थ्री पर। आई एम टायर्ड, आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट। क्यों अभी टायर्ड हूँ? लास्ट नाइट मतलब कल नहीं सोया। सो हम रीज़न बता रहे हैं, आई एम टायर्ड बिकॉज। ओके, वी आर टेलिंग रीज़न, बिकॉज आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट। द लिविंग रूम इज डर्टी, यू डिडेंट क्लीन इट, because you didn't clean it, आपने इसे साफ नहीं किया। Tea, coffee are the most preferred beverages in the world. Tea and coffee. Okay? Priya was very hungry. She had an early lunch. Priya was very hungry because Priya बहुत ज़्यादा hungry थी, क्योंकि उसने बहुत जल्दी लंच किया था। ओके, सो वी गो अहेड नाउ। यस, नाउ दीज आर टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। ओके, यहाँ पर है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखेंगे, यूज टू लिंक और जॉइन टू वर्ड्स फ्रेजेस दैट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, ये हम यहाँ पर कुछ और नए एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एंड नॉर बट और यट सोन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और
एंड कंप्लीट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया जाता है, जैसे ऑल्दो, एज, बिफोर, वंस, दो, अंटिल, वेदर, एक्सेट्रा. कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होती हैं बच्चों, दे आर पेयर ऑफ कंजंक्शंस यूज इन अ सेंटेंस. यहाँ पर पेयर ऑफ कंजंक्शंस यूज होती हैं सेंटेंस में टू जॉइन डिफरेंट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन करने के लिए, जैसे बोथ एंड, ईदर और, जस्ट एज सो, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट, ऑल्सो, वेदर और, हार्डली, वेन, एटसेट्रा. ओके, सो चलिए आगे देखते हैं. Combine the following pair of sentences into a complete sentence using या तो हमें इसमें coordinating conjunction fill करना है या subordinating. Okay, हमें circle भी करना है conjunction को. Rakesh was a waiter in a restaurant. He was a famous actor. Rakesh was a waiter in a restaurant. इसको हटा देंगे हम यहाँ से full stop को. And he was a famous actor. She receives the plant she had ordered. Kavya will plant the flowers. She received the plants she had ordered. ये हटाएंगे यहाँ से. And Kavya will plant the flowers. You must come for lunch. इसे हटाएंगे यहाँ से. And you must come for dinner also. Okay? Niharika waited to speak. Until, यहाँ पे लिखेंगे until the song was over, जब तक song खत्म हुआ निहारिका ने बोलने के लिए wait किया. My pen ran out, I have to finish the test. My pen ran out, मेरा pen finish हो गया, because I have to finish the test. तो आप इसको कैसे combine करेंगे? My pen ran out because I have to finish the test, right? Rekha is tall and her sister is equally tall. Gaurav slept late, he made it school on time. Gaurav slept late but he made it school on time. Akash likes chocolate ice cream, but her sister Neha hates it. Okay? यहाँ पर मैंने आपको join करके एक sentence दिखाया है. अब इन सब को आपको अपनी notebook में join करना है. Okay? चलिए आगे चलते हैं. We have to join the two sentences using the correct correlative conjunction. Neha is pretty, she is cute too. So we will write not only Neha is pretty but is cute also. Okay? Jay doesn't like eating spinach, his father doesn't like it. So Jay and his father don't like eating spinach. Peter was late to the party. Peter took a wrong road. His car got broken. So Peter was late to the party. Either he took, यहाँ पे लिखेंगे either he took a wrong road or his car got broken. Okay? So now we have done all the exercise of conjunction and I hope that this topic is clear to you. Those sentences, words ko ya group of words ko ya clauses ko jodne ke liye hum jin words ka use karte hain, unhe hum kehte hain conjunctions. Okay? So thanks for watching. Have a nice day.